पिछले लगभग 1.5 साल से कैथल में बतौर डीसी रहे सुजान सिंह यादव अपनी कार्यशैली से एक विशेष छाप छोड़ गए। कोरोना संकट में दोनों ही लहरों में कैथल की स्थिति अन्य जिलों के मुकाबले काफ़ी बेहतर रही। प्रशासनिक मशीनरी पर पकड़, अधिकारियों से काम लेने व योजना के लिए क्रियान्वयन में डीसी सुजान सिंह यादव कुशल दिखे। कोरोना संकट में गीत के माध्यम से डीसी सुजान सिंह ने जहां लोगों का मनोबल बढ़ाया था, वहीं जाते जाते भी डीसी ने एक गीत के माध्यम से लोगों को संपर्क में रहने की अपील करते हुए कोरोना से लड़ने का आह्वान किया। आइए बात करते हैं कैथल में उनके अनुभवों को लेकर डीसी सुजान सिंह यादव से। इस 1.5 साल के दौरान में कोरोना महामारी की 2 लहर आई और दोनों लहर में लोगों का, अधिकारियों का, सभी का पूर्ण सहयोग मिला और जो हिदायतें केंद्र राज्य सरकार से थी उनको लोगों ने, हमारी बात को माना, उसका पूरी रूप से पालन किया। और रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दोनों लहरों में हमने संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। आपने सर पिछले दिनों भी लोगों को गीत के माध्यम से एक संदेश दिया था, ऐसी कोई चंद लाइनें जो आप कहना चाहें या संदेश देना चाहें? हाँ, कुछ दिन पहले भी मैंने कोशिश की थी, जब मैंने सोचा लोग अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, सकारात्मक सोच की कमी है, तो कुछ लाइनों के माध्यम से मैंने संदेश दिया था और उसका जो लोगों का रिएक्शन था, लोगों का जो फीडबैक था, बहुत ही सकारात्मक था। और लोगों ने ये भी कहा, हम उन लाइनों को सुन के अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने महसूस किया और उस जो हालात थे उससे कैसे समन्वय बैठाएं, उसमें उनको काफ़ी मदद मिली। तो अभी भी मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो पोस्ट कोविड की जो चीज़ें हो रही हैं या लोगों को पोस्ट कोविड के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो उसका जो दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी ही, जो समय है वो अपना काम करेगा, लेकिन मेरे विचार में या मेरी सोच में जो आपका मानसिक संतुलन है, जो आपका सकारात्मक सोच है, वो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आपका प्रभाव डालती है और आपको ठीक होने में, इस महामारी से जूझने में, इस महामारी से लड़ने में आपको काफ़ी हद तक वो मदद करती है। तो मैं अभी जैसे मैं कह रहा था कि आप लोगों को, आप अपने आप को लोगों से, आप अपने आप को घर के सदस्यों से, अपने आप अपने रिश्तेदारों से अपने आप को कनेक्ट रखें, तो कनेक्ट रखने के लिए आपको बातें करनी चाहिए। उन संबंध में मैं कुछ लाइनें आपके माध्यम से लोगों के पास रखना चाहूँगा। बातें करते रहना, एक दूजे को सुनते रहना, बातें करते रहना, एक दूजे को सुनते रहना, पूछते रहना हाल चाल, पूछते रहना हाल चाल, क्या है उनके दिलों का मलाल, क्या है उनके दिलों में मलाल, जानते रहना उनका ख्याल, जानते रहना उनके ख्याल, पूछा करना कोई भी सवाल, पूछा करना कोई भी सवाल, जानते रहना उनके ख्याल, जरूरी नहीं अच्छी बातें ही हो, जरूरी नहीं अच्छी बातें ही हो, जरूरी है कि बातें जरूर हो, जरूरी है कि बातें जरूर हो, तो सुनो मैं हूँ यहीं हूँ पास हूँ, कहना भी काफ़ी है, अरे हौसला दिलाए रखना ही काफ़ी है, मैं हूँ यहीं हूँ पास हूँ कहना ही काफ़ी है, अरे हौसला दिलाए रखना भी काफ़ी है, अभी और है
सफर तय करना तो गुनगुनाना मुस्कुराना भी काफ़ी है, तो गुनगुनाना मुस्कुराना भी काफ़ी है, तो सुनो बातें करते रहना, एक दूजे को सुनते रहना, बांट लेना अकेलापन, अरे वो ना करे अगर तुम कर ना पहल, तो सुनो बातें करते रहना, एक दूजे को सुनते रहना, बातें करते रहना, एक दूजे को सुनते रहना।